श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज 1-1 पर ड्रॉ समाप्त हुई है। दूसरे मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 पारी और 39 रन से जीत हासिल की है और पहली बार श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और रनों के अंतर से हराया है। मैच की जानकारी अगर आपको दें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 364 रन बनाए। टीम के लिए मार्नस लबुशेन ने शानदार 104 रन की पारी खेली। इसके अलावा स्टीव स्मिथ नॉट आउट 145 रन बनाकर रहे और टीम ने 364 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। श्रीलंका के लिए पहली पारी में प्रभत जयसूर्या ने 6 विकेट चटकाए। 36 ओवर में 118 रन देकर उन्होंने 6 विकेट चटकाए और वहीं कासुन राजिता को भी 2 विकेट मिले। पहली पारी में जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम के लिए कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने 86 रन की पारी खेली और टीम के लिए कुशल मेंडिस ने भी 85 रन बनाए। साथ ही एंजेलो मैथ्यूज ने भी 52 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया दिनेश चांदीवाल ने। दिनेश चांदीवाल ने नॉट आउट 206 रन की पारी खेली। इसके अलावा टीम के लिए कमिंदु मेंडिस ने भी 61 रन बनाए और साथ ही 5 खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में 554 रन लगाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली पारी में मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट चटकाए, वहीं नेथन लॉयन को 2 विकेट मिले और मिचेल स्वीपसन को भी 3 विकेट मिले। पहली पारी में पिछड़ने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम के सभी बल्लेबाज फेल हो गए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर 24 रन बनाकर, उस्मान ख्वाजा 29 रन बनाकर, पहली पारी में शतक लगाने वाले स्टीव स्मिथ 0 रन पर, मार्नस लबुशेन 32 रन पर आउट हो गए। टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज 30 से ज्यादा का स्कोर नहीं कर पाया। आपको बता दें कि श्रीलंका के लिए शानदार गेंदबाजी एक बार फिर से प्रभात जयसूर्या ने की। प्रभात जयसूर्या ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 ओवर में 6 विकेट चटकाए। उन्होंने मैच में कुल 12 विकेट चटकाए। आपको बता दें कि रमेश मेंडिस को भी दूसरी पारी में 2 विकेट मिले, वहीं महिषा तीक्ष्णा भी 2 विकेट चटकाने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर आ गई और प्रभात जयसूर्या ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के सभी बल्लेबाजों को फेल कर दिया और श्रीलंका की टीम ने पारी और 39 रन से मैच जीतकर सीरीज को 1-1 पर ड्रॉ कर दिया। आपको बता दें कि मुकाबला 4 दिन में खत्म हो गया। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।